हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और सदा ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, कभी किसी को कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों, आज मैं बात करता हूँ आप लोगों से गैस के ऊपर, घरेलू गैस सिलेंडर के ऊपर बात करते हैं कि जैसे हम लोग हाकर से गैस लेते हैं तो हाकर कैसे गैस चोरी कर लेते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, किस तरीके से इतनी गैस कम हो जाती है। हम लोगों को पता भी नहीं चलता है कि गैस कम हो गई कि नहीं हो गई, और जान भी लेते हैं तो भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि हाकर कैसे गैस चोरी करते हैं। तो हैकर गैस कैसे चोरी करते हैं और क्यों करते हैं? तो दोस्तों, सभी लोग जानते हैं हैकर चोरी करते हैं, लेकिन उनकी भी कुछ मजबूरी होती है। मैं सारे प्रोसेस बताएंगे, सारी जानकारी देंगे कि हैकर गैस कैसे चोरी करते हैं, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, क्या उनकी मजबूरी रहती है, चोरी करने क्या मजबूरी होती है, उसके बारे में भी मैं बता दूंगा आप लोगों को। सिलेंडर के ऊपर हो सकता है काफ़ी वीडियो देखे हो आप लोगों ने कि ऐसे गैस चोरी होती है, ये होता है, फलाना होता है, धमाका होता है, लेकिन उनका रीज़न क्या होता है, अगर वो चोरी ना करें तो ड्यूटी कैसे करें, क्या करें। तो दोस्तों, सबसे पहले जहाँ से गैस आती है, गैस एजेंसी से, तो वहाँ के जो कार्यकर्ता होते हैं वही कम से कम एक एक डेढ़ डेढ़ किलो गैस तो वही लोग कम कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में जहाँ गोदाम से आती है, जहाँ सिलेंडर उतारे जाते हैं, तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो भी एक एक डेढ़ डेढ़ किलो, कम से कम एक एक किलो कम करते हैं। तो मान के चलो एक किलो वहाँ से डेढ़ किलो कम हो गई, गोदाम से एक डेढ़ किलो जहाँ सिलेंडर गिराए जाते हैं उन लोगों ने कम की, एक डेढ़ किलो हैकर ने कम की, तो मान चलो चार किलो गैस, तीन चार किलो गैस, पाँच पाँच किलो तक कम हो जाती है एक एक सिलेंडर में। और तीन चार किलो तो मिनिमम कम होना ही होना है, अब पाँच किलो भी हो सकती है, इससे कोई भी कहा नहीं जा सकता है, कहा छः किलो भी हो जाए, लेकिन चार किलो से, तीन से चार किलो तो हर हालत में 100% कम होगी गैस। तो दोस्तों, ये लोग चोरी क्यों करते हैं, ये रीज़न हम बताएँगे आपको। ये तो हम बताएंगे बताएंगे किस तरीके से सील लगी रहती है, चोरी हो जाती है, वो तो हम बताएंगे आपको, लेकिन करते क्यों हैं। तो दोस्तों, जो वर्कर्स इसमें काम करते हैं गैस एजेंसी में, इन लोगों की कोई सैलरी नहीं होती है, ना के बराबर सैलरी होती है। कितनी कम होती है आप अंदाज भी नहीं लगा सकते हो, 10,000 या 8,000 या 5,000 या 7,000 या 3,000, ऐसा भी नहीं दोस्तों, हज़ार हज़ार 500-500 रुपये इन लोगों की सैलरी होती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, हमारे जो है एक रिलेशन में हैं, एक जानने वाले हैं, वो भी करते हैं गैस एजेंसी में काम, तो उनकी 550 रुपये इस समय है सैलरी। अब बताइए आप, 550 रुपये उनकी सैलरी है इस समय, तो आप बताइए कि 550 में कोई भी जो है कोई जॉब करेगा? 500-600 रुपये तो आदमी एक दिन में लेबर ले लेता है, 7-8 घंटे, और इसमें मेहनत का काम है, तीन तीन चार चार सिलेंडर लाद के ले जाना, 30-30 किलो वेट का, फिर सप्लाई करना, ये करना, वो करना, इन लोगों की जो है सैलरी कुछ नहीं होती। इन लोगों को वही मिलता है जैसे सिलेंडर आपका देने गए, आपने 10-20 रुपये इनको दे दिए तो वो इनको मिल गए। अगर ये चोरी ना करें तो इनकी मजबूरी है चोरी करने की। अब इन्होंने क्या किया कि अगर मान लीजिए एक एक किलो ही गैस चुराई, अगर एक एक किलो गैस अगर इन्होंने निकाली, और एक किलो गैस निकाल के मान लीजिए सुबह से शाम तक 7-8 सिलेंडर लगा दिए, 10 सिलेंडर लगा दिए, ठीक है, तो इन्होंने 10 किलो गैस निकाल ली, 10 किलो गैस इन्होंने निकाल ली, और 10 किलो गैस निकालने के बाद में किसी खाली सिलेंडर में अपने पलट लेते हैं धीरे धीरे, एक किलो कर खाली सिलेंडर में पलटते रहते हैं, तो 10 किलो गैस इनकी इकट्ठा हो गई। तो 10 किलो गैस अगर किसी फुटकर में या कहीं भी अगर देंगे, 50-60 में भी देंगे, तो इनके 500-600 रुपये हो गए, किसी दिन 400, किसी दिन 500-600-700, कभी कभी 1,000 भी कमा लें। तो इस तरीका से लोग कमाते हैं, यही कमाई इनकी है, और गैस एजेंसी के तरफ से इनकी कोई कमाई नहीं होती, इनकी कोई सैलरी भी नहीं होती है, कि ये जितने भी कार्यकर्ता होते हैं किसी की भी कोई लिखित सैलरी नहीं होती है कि इनको इतनी सैलरी दी जाएगी। तो ये रीज़न होता है मुख्य रीज़न जो बताया चोरी करने का हैकर का, और जो वर्कर्स हैं इनके जो भी हैं इसलिए चोरी करते हैं। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखना तो ही मैं पूरी जानकारी आपको दे पाएंगे, आधा अधूरा वीडियो मत छोड़ना। तो अब आप बताइए कि अगर ये चोरी ना करें तो कैसे करें, तो आपका जवाब आएगा इसको छोड़ दें,
दूसरा करें, दूसरा आएगा तो वो करेगा, वो भी छोड़ दे, फिर कहो दूसरा तीसरा आए वो करे, तो ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं से आदमी चोरी से मलाली से उनकी भी आदत पड़ जाती है, करने वालों की करने लगते हैं, तो इस तरीके से इनकी चोरी होती है। जिनका कांटा होता है उसमें आपको दिखा देंगे तो पूरे सेट होता है कांटा, तो आपको पूरा एकदम सही दिखाएगा। अब पॉइंट आता है ए कि पॉइंट ये चोरी करते कैसे, सील तो लगी रहती है, न फटती है न टूटती है, तो चोरी कैसे करते हैं, सील लगे लगे कैसे चोरी हो जाती है, चोरी होती है, सब लोग जानते हैं आप कि जो लोग भी सिलेंडर लेके जाते हैं देखते हैं तौल के देखो सिलेंडर 3-4 किलो गैस मिनिमम कम मिलेगी आपको। चोरी करने का पॉइंट है मैन, तो मैं वही पॉइंट आपको अभी दिखाएंगे कैसे चोरी करते हैं ये लोग, तो आपकी खुद ही समझ में आ जाएगा कि कैसे चोरी होती है, आपके भी कान खड़े रह जाएंगे कैसे चोरी होती है। तो मैं सिलेंडर मेरे पास में रखा है, ठीक है, तो इसका वजन होता है 15 किलो 600 ग्राम, ठीक है, इस पे लिखा भी है इस यहाँ पे 15.6 किलो 600 ग्राम इसका वजन होता है, ठीक है, और जो है 14 किलो 200 या 400 ग्राम आपको गैस मिलती है, 14 किलो 200 ग्राम 400 ग्राम ऐसे कुछ गैस मिलती है, तो लमसम 29 किलो 800 ग्राम या 30 किलो मान के चलो वेट आपका हो जाता है, ठीक है, सिलेंडर और गैस मिला के। और जो आप खाए उसका सिलेंडर काट दीजिए आप 15 किलो 600 ग्राम और तौल लीजिए कहीं चक्की पे, या आपके घर में 200-400 रुपये कांटा आता है बोले है उस पर तौल लीजिए, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि कितनी कम होती है गैस, जितनी 15 किलो 600 ग्राम काटने के बाद में जितनी कम होती है 14 किलो 200 ग्राम में, तो आप समझ लीजिए उतनी ही गैस आपकी कम है, उतनी गैस आपको कम देते हैं। तो चोरी कैसे करते हैं मेन पॉइंट आपको समझाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं दिखा रहा हूँ अपने कैमरे के माध्यम से कि ये सील लगी है, ठीक है, एक कैप लगा है सील लगी है और ये धागा है, तो इसके ऊपर एक पन्नी चढ़ी होती है, इस तरीके से सील लगी होती है ऊपर से, तो वो खुली नहीं होती है, ठीक है, और सील में धागा ऐसे लगा होता है, ठीक है, धागा जो है इस तरीके से ऐसे लगा होता है, इससे बाकी धागा यहाँ बंधा होता है या पड़ा हो जो भी हो ऐसे फंसा होता है इसमें, ये नीचे रहेगा तो धागा ऐसे रहता है, ठीक है, तो ये धागा जो है ऐसे आपका सेट रहेगा इस तरीके से, और ऊपर से इसके सील लगी होगी, ये धागा यहाँ पे फंसा है और ये सील लगी है, ये सील लगी है इस तरीके से और ये धागा लगा है आपका, ठीक, ऊपर से सील लगी है, तो बताओ अगर सील फाड़ेंगे निकालेंगे सील फट जाएगी तो कैसे खोलेंगे इसको, निकालेंगे कैसे गैस, क्या करेंगे, तो क्या करते हैं धागा जो लगा है आपको दिखा रहे हैं जरा घुमा के, ये धागा आप देख रहे हैं, ये धागा जो लगा है ये वाला धागा लगा, इसको ये पन्नी के नीचे लगा होता है, तो ऐसे नीचे पन्नी के लगा है आप दिख रहा होगा ये, तो ये नीचे से पकड़ के इसे खींचते हैं इसको, ठीक है, पन्नी नहीं फटेगी, नीचे की तरह दाबते हैं ऐसा करके, नीचे को हल्का सा दबा के खींचते हैं और ऐसे घुमा के सील के सहित निकाल लेते हैं, सील इसके ऊपर चढ़ी रहेगी, ठीक है, सील इसके ऊपर चढ़ी रहेगी, अब मैं सील के पूरा निकल जाएगा घुमा के, और जितनी चाहेंगे यहाँ पे जो उनका एक वो नोजल होता है इस तरीके से लंबा लंबा, इसमें फांस देंगे कस देंगे और दूसरे सिलेंडर में लगा के जो भी गैस है वो निकाल लेंगे, जितनी उनको चाहिए 1 किलो या 1.5 किलो जो भी चाहिए वो निकाल लेंगे, और फिर इसको सील के सही तैसे ही पकड़ के और ऐसे ही इसमें दाब देंगे, ये आ गया, ये दब गया तो सील की लगी भी रही निकली भी नहीं और गैस आपकी चोरी हो गई, तो आप देखेंगे तब गैस तो पूरी लगी है, जैसे इस तरीके से धागा लगा है ए इसमें नीचे सील में ऐसे दबा होता है, आप देखना गौर करके जो भी सिलेंडर आपकी नया लाना तो उसमें देखना यहाँ पर ये दबा होता है, तो बस इसको यहीं से पकड़ेंगे नीचे से, सील नहीं फटेगी, नीचे से पकड़ के हल्का सा नीचे पुश करेंगे, ऐसे हल्का सा पुश करेंगे पन्नी होती थोड़ा बहुत हिल जाएगा तो कोई फर्क नहीं, हल्का सा बढ़ा के दाबेंगे और ए नीचे ऐसे खींचा है, ये देखिए फिर देखिए ए नीचे लगा है, तो यहीं से पकड़ के नीचे से ये खींचेंगे इस तरीके से, ठीक है, खींचेंगे और एक घुमाएंगे ऊपर,
अभी नहीं निकला है, ए नीचे को खींचा ऐसा कसके, उन लोगों की आदत पड़ी होती है तो वो तो फटाक से निकाल लेते हैं, तो हमको बताने में कुछ समय लगेगा। तो ये नीचे खींचा और ये खिलाया, ये निकल आई पूरी, मैं सील के निकल आएगी। और फिर उठा के इसको यूँ गैस पलट लेंगे, लगा देंगे, ये देखिए पन्नी ऊपर से सील लगी है, ये आपकी कंप्लीट हो गई। तो कोई चोरी ना कुछ इसको जान भी नहीं पाएगा। तो ये जानकारी हमने आप लोगों को दी दोस्तों, तो धन्यवाद आपको बहुत बहुत हमारे वीडियो देने, नमस्कार दोस्तों। तो आप जो है हमारा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए, समझ में आए, अच्छा लगे तो कमेंट लाइक शेयर जो समझ में आए आपको कर देना, हर आदमी को नॉलेज मिला है इस तरीके से। और आप हमारे चैनल पर नए अगर हैं तो आप सब्सक्राइब करें, और भी वीडियो हम बनाने जा रहे हैं आप लोगों के लिए, चोर और जो है भगवान जो है कौन मानता है, तो आप लोगों चोर ज़्यादा मानता है भगवान को या भक्त ज़्यादा मानता है, जो हम बताएंगे तो आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा क्या होता है। तो ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।